देखो बच्चों, ये भी प्रश्न आया है नवोदय 2024 में, इस जनवरी को जो पेपर हुआ था, ये सवाल कैसे करेंगे मैं हल करके बता रहा हूँ। एक मशीन एक मिनट में 12 प्रश्न छाप सकती है, 5760 प्रश्नों को छापने में कितना समय लगेगा। तो मैंने एक नियम बताया था, एक एक नियम का आया, ये दो तरीके से कर सकते हो। पहला तो यही है, तो देखिए प्रश्न प्रश्नों की संख्या लिख दिया, फिर लिख दिया आपने समय, समय काय में है मिनट में, समझ लो। पहले प्रश्न कितने छाप रहे हैं, 12, कितने मिनट में, एक मिनट में। फिर 5760 प्रश्न कितने मिनट में छापेगा, तो हमने बताया इसका एरो कैसे लग जाता है, हमने फार्मूला बताया था, कम कम ज्यादा ज्यादा अगर हो तो एरो हमेशा कहां लगता है, नीचे। तो देखो 12 प्रश्न कितने मिनट में छापे, एक मिनट। प्रश्न बढ़ गए तो समय बढ़ेगा या घटेगा, क्यों, अरे अरे 12 प्रश्न एक मिनट में छाप लिया, 5760 प्रश्न है, तो इसमें समय नहीं लगेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, मतलब प्रश्न भी बढ़ गए और फिर समय भी बढ़ गया, तो कहां लगेगा, ये तुम्हारा कहलाता है हेड, ये कहलाता है टेल। हेड से लिखना शुरू करते हैं और यहां से शुरू करते हैं, यहां से लिखो ए या 5 1 बराबर 5760 कटे 12, ये एक की कोई वैल्यू नहीं, इसे काट दो या भाग कर दो डायरेक्ट, क्या कर देंगे हम, भाग, देखो भाग कर दो, यहां पर रख के 5760 12 से, 12 6 48 कितना हुआ है, घटाओ 17 8 है, कितने बचे 9, इधर कुछ नहीं बचे, उतारेंगे कितने उतारेंगे 6 12 5 7 12 6 12 7 84 12 8 96 पता ही नहीं है, 12 8 कितना होता है, बताओ भूल जाएंगे, क्या बचा, कुछ बचा, ये 0 बचा, ये आ जाएगा 480 मिनट, कितने लगेंगे 80 मिनट में छाप देगा मशीन, देखो कितना समय लगा, प्रश्न बढ़े समय बढ़ गया। थैंक यू वेरी मच।